ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार में आखिरी और तीसरे चरण के चुनाव 7 तारीख को होना है, जिनमें कुल 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय सिंह ने कहा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज 5 नवंबर है और शाम 6 बजे आज चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 7 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। तो जो 78 विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन में जा रहे हैं, उसमें से 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां की मतदान सिर्फ 4 बजे तक होगा। ये हैं वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी। यहां 4 बजे तक चुनाव होगा, बाकी जगहों पर 6 बजे तक चुनाव होगा। कुछ आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो टोटल 33,782 मतदान केंद्र हैं। वल्नरेबल वोटर्स की पहचान की गई है। इनमें से इतने मतदान केंद्रों में से 4,999 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनमें वल्नरेबल वोटर्स हैं, जिनकी संख्या 1,77,450 है। इन वल्नरेबल वोटर्स को जो संभावित इंटिमिडेटर्स हैं वे 18,854 हैं, जिनके ऊपर 107 के तहत बाउंड डाउन करने की कार्रवाई या CCA की कार्रवाई या आर्म्स कैंसिलेशन, जो भी सम्यक कार्रवाई होती है, जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। 80 से ज़्यादा की उम्र के और PWD कैटेगरी के जो वोटर्स हैं उनको पोस्टल बैलेट निर्गत किया गया है, जिनकी संख्या 18,594 है। कुल 2,810 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। एक लोकसभा सीट भी है। कुल 17,27,000 मतदाता, जिसमें से 9,21,000 पुरुष हैं, 8,06,000 महिलाएं हैं, थर्ड जेंडर के 95 मतदाता हैं और कुल 2,478 मतदान केंद्र बनाए गए हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा उपनिर्वाचन। चुनाव आयोग निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। आगामी 7 नवंबर को बिहार में तीसरे चुनाव का होना है। संजय सिंह ने कहा कि बिहार के तीसरे चरण के चुनाव के 4 जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जिनमें वाल्मीकि नगर, रामनगर, पश्चिम चंपारण, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी, ये 4 ऐसे स्थल हैं जहां पर सुबह के 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही मतदान होंगे।